सबको जय सुखी। सामान्य काल का 32वें इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेने के लिए और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। संडे पासवर्ड टू द वर्ल्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर संडे के सुसमाचार पर मनन चिंतन करने के लिए और उस वचनों को लेकर प्रार्थना करने के लिए और इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है उस बात को समझते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 12 तारीख है, सामान्य काल का 32वां इतवार है और आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से प्रभु स्वर्ग के राज्य की बात उन 10 कुवारियों के दृष्टांत के द्वारा हम सबों के सम्मुख रखता है। इस दृष्टांत को हम सुने, समझें और इसमें प्रभु मुझसे क्या कहता है इस बात को समझने की चेष्टा करते हुए उसके अनुसार यानी कि प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कृपा शक्ति सामर्थ्य हम सभी मांगें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 प्रसंग 1-13 का प्रसंग 10 कुवारियों का दृष्टांत। उस समय स्वर्ग का राज्य उस 10 कुवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर धूले की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 समझदार थी और 5 नासमझ। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। धूले के आने में देर हो जाने पर वे ऊँगने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुवारियाँ उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगीं। ना समझ कुवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई थी कि दूल्हा आ पहुँचा, जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुवारियाँ भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु 10 कुवारियों के जीवन के दृष्टांत के द्वारा, जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को स्वर्ग राज्य के बातों को समझाना चाहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले बिंदु में हम मनन चिंतन करेंगे, समझदार कौन है, क्योंकि प्रभु ने यह शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पर, समझदार और ना समझ। हालांकि प्रभु ने और एक उदाहरण में शब्द इस्तेमाल किया, समझदार और मूर्ख। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है वह समझदार है। जो मेरी ये बातें सुनता लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता वो मूर्ख के सदृश है, प्रभु ने ये कहा। यहाँ पर प्रभु हम सबों से क्या कहता है, समझदार व्यक्ति कौन है प्रभु के अनुसार। समझदार लोग वह हैं इस दृष्टांत के अनुसार जो दिया लेकर आई, यानी कि उस समय के प्रथा के अनुसार विवाह भवन में प्रवेश करने की पूरी तैयारियों में आई, साथ में दिया में डालने के लिए तेल भी लाई कुप्पियों में, यानी कि उनकी तैयारी पूर्ण थी, कहीं से भी कोई अधूरापन नहीं था, कोई कमियां नहीं थी, 100% वो तैयार थी। दे वर ट्यून टू द लॉर्ड, दे वर ट्यून टू गॉड, मतलब वहां पर कोई कमियां नहीं थी, 100% तैयारी उनके पास थी, इसलिए उन लोगों को समझदार कहा। और ना समझ कौन है, ना समझ वो हैं जो सोचते हैं चलो चलता है, देखा जाएगा, वक्त आने पर देखेंगे क्या होता है, विच मीन्स दे आर नॉट सीरियस अबाउट द वर्क, यानी कि चलता है मानसिकता, देखा जाएगा, जो वक्त आने पर देखेंगे क्या होगा।
दैट वे, मतलब इस प्रकार से व्यवहार प्रभु को पसंद नहीं है। यानी कि प्रभु चाहता है हर बात हम सीरियस में लें, गंभीरता से लें, उसको समझें, प्रभु का बुलावा हम समझें, प्रभु ने हम सबको कितनी बड़ी बुलाहट दी इस बात को समझें। इसलिए प्रभु इस उदाहरण के द्वारा में समझाता है स्वर्ग राज्य प्राप्त करने आसान नहीं है। हो सकता हम समझदार उस 10 को और उनके भांति होंगे, कभी हो सकता ना समझ के भांति होंगे, चलता है बिजनेस, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने इस उदाहरण के द्वारा हम सबों के समक्ष स्वर्ग राज्य के महान रहस्य को खोला है, इसलिए इस बात को हम समझें। दूसरा बिंदु ऐसा हमें मनन चिंतन करने के लिए, ना समझ कौन है? ना समझ वही है जो चलता है बिजनेस है, उस प्रकार का जीवन बिताने वाले। तीसरा बिंदु है समझदार स्वर्ग का सुख प्राप्त करेंगे। कैसे पता चला स्वर्ग का सुख के बारे में? यहां पर लिखा है दूल्हे की अगवानी करने के लिए गई, लेट हुआ, सो गई, जब आवाज आई समझदार लोग पूरे तैयार थे, तुरंत उठी, जागी, अपने मशाले सवारने लगे, तैयार हुई, उठ खड़ी हुई, उस वक्त तैयार थी, द्वार खुल गया, प्रवेश कर गए, यानी कि विवाह भवन, यानी कि आनंद मनाने का जगह, स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुल गया और उन्होंने प्रवेश पाया। बाकी लोग ना समझ, उनके पास कोई तैयारी नहीं थी, ढूंढने लगी और इनसे पूछने लगी थोड़ा तेल हमको भी दो। उन्होंने कहा क्या पता हमारे लिए तुम्हारे लिए तेल कम पड़ जाए, तुम जाके खरीद लो। रात के समय पता नहीं कौन सी दुकान खुली थी, कहाँ दुकान थी, और गए वो। इसलिए उनको कहा ना समझ, उनके लिए द्वार नहीं खुला। यानी कि समझदार लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। और चौथा बिंदु है ना समझ लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुला। जो बाद में जब वो तेल लेकर आई, कहाँ से लेकर आई कोई पता नहीं, तेल लेकर आए, उसके बाद वो कहने लगी हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, उस वक्त क्या उत्तर दिया उनसे? उस वक्त उनको कहा, क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए क्योंकि तुम तैयार नहीं थे, सतर्क नहीं थे, सावधान नहीं थे, प्रभु के साथ ट्यून्ड नहीं थे, कोई भी बात तुमने सीरियसली गंभीरता से नहीं ली, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डू नॉट नो यू। यानी कितनी गहरी बात देखिए, अगर हमसे कहा जाए मैं तुमको नहीं जानता, कितनी एक दर्द भरी बात है। यानी कि ना समझ लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद हुआ। चौथा बिंदु है, पांचवा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण जागते रहने के लिए हमें दिया है। इसलिए इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है? जागते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, ट्यून्ड रहो प्रभु के साथ। कैसे जागें? प्रार्थना के साथ, त्याग तपस्या के साथ, बलिदान के साथ, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करने के साथ, पवित्रता का जीवन बिताने के साथ हम जागते रहें। प्रभु ये बात हम सबों को बताता है। छठा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, दिया कैसे जलाए रखें। अब समझदार लोगों ने अपने दिया जलाए रखा, उसके लिए तेल भी अपने पास वो लेके आए। उस दिया क्या है? वो दिया विश्वास का दिया। जैसे बपतिस्मा के समय पुरोहित उस दिया को जलाते हुए धर्म माता पिता को देता है, क्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए, इसको जलाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी कि क्रिस्त की ज्योति, यानी कि विश्वास का दिया, प्रेम का दिया, क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांतों का दिया जो दिया गया है, उसको जलाए रखने के लिए जिम्मेदारी दी। उसको जलाए नहीं रखा, उसको बुझने दिया। दुनिया की आंधी, दुनिया की तूफान, पापमय आदत, बुराई, ऐसे में खो जाते हुए पाप में अपवित्रता का जीवन बिताते हुए अगर उसको दिया को बुझा के रखा तो स्वर्ग राज्य का द्वार नहीं खुल सकता। उसके लिए तेल की आवश्यकता, उस दिया को जलाए रखने। तेल क्या है? वो तेल संस्कार है, तेल प्रार्थना है, तेल पवित्रता है। पवित्रता में बने रहने के लिए प्रार्थना करनी है, संस्कारों को ग्रहण करना है, पाप स्वीकार करना है। और इस प्रकार से जब हम करेंगे, उस दिया को जलाए रखने के लिए हम तेल डालते रहेंगे, वो बुझेगा नहीं। इस प्रकार की तैयारी बहुत ही आवश्यक है।
इस प्रकार की तैयारी बहुत ही आवश्यक है। आज के इस युग में, दुनिया में हर जगह पर हर मोड़ में प्रलोभन है, बुराई है, प्रदूषण है, पापमय वातावरण है। ऐसे परिवेश में एक पवित्र सुंदर क्रिश्चिय जीवन बिताना कितना चुनौती भरा है आज के दिन में हम सभी समझ सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, जो विश्वास का दिया हमें दिया गया है उसको जलाए रखें, प्रेम का दिया जलाए रखें, क्रिश्चिय मूल सिद्धांतों का दिया जलाए रखें। उसके लिए हम नियमित रूप से प्रार्थना करें, सुबह शाम प्रार्थना करें, इतवार के दिन मिसा बलिदान में भाग लें, माला विनती करें, बाइबल पढ़ें, पवित्रता की साधना करें, तब वो दिया जलता रहेगा। सातवां बिंदु आज के दिन में हम सबों के लिए प्रभु ने दिया है, उस प्रार्थना और पवित्रता का जीवन बिताने के लिए, यानी कि इस प्रकार से हम तैयार रहेंगे, हर वक्त सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रभु को धन्यवाद दें आज के संदेश के लिए, इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु जो संदेश आपने हम सबों को दिया है उसको गहराई से समझने के लिए, उस संदेश के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हमें प्रदान कर। हम दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं प्रभु, हम कभी भी जिंदगी को यूं ही ना लें बल्कि गंभीरता से लें, गंभीरता से आपके वचनों का अनुसरण करें और आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं प्रभु। आपके आशीषों को प्राप्त करें, स्वर्ग का सुख हम सभी एक दिन प्राप्त करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।